Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. Assalamualaikum YouTube, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे Tech Tips. आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने Yamaha के YBR या YBZ की बैटरी को कैसे चेंज कर सकते हैं अगर वो डेड हो गई है या आपका बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा क्योंकि बैटरी ख़राब हो गई है. तो इस वीडियो में मैं इस पानी वाली बैटरी की जगह एक ड्राई बैटरी लगाऊंगा और उसकी वजह भी बताऊंगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अभी चूँकि मेरे बाइक की बैटरी ख़राब होगी तो उससे मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही है. पहली तो ये है कि अगर मैं इग्निशन को ऑन करूं तो ये न्यूट्रल की लाइट जल रही है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये लाइट नहीं जलती, यानी पूरा मीटर बंद ही होता है तो आपको किक स्टार्ट करनी होती है. और अगर ये लाइट जल भी रही हो और मैं अगर सेल्फ के बटन पर दबाऊँ सेल्फ स्टार्ट पर, तो ये बाइक खुद सेल्फ ले कर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि बैटरी में इतनी पावर नहीं है. इसके अलावा अगर मैं हाई बीम ऑन भी करूँ तो आप देख सकते हैं फ्रंट में बिल्कुल मिनिमम आपको शो हो रही है, क्योंकि ख़ास नज़र नहीं आ रही क्योंकि बैटरी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही डेड हो चुकी है, इसमें पावर ही नहीं है अभी. तो आपकी हाई बीम, लो बीम, इवन पार्किंग लाइट भी काम नहीं कर रही होगी. तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं. इसके अलावा अगर आपकी बैटरी सही नहीं चल रही तो आप शायद नोट करेंगे कि आपके जो इशारे हैं वो भी ठीक काम नहीं कर रहे होंगे, यानी वो ब्लिंक नहीं करेंगे बल्कि वो एक ही तरह स्टेबल हो जाएंगे. तो ये कुछ वजूहत है जिसकी वजह से मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ. अभी बैटरी कम्प्लीटली डेड है लेकिन बाइक के किक स्टार्ट से बाइक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह आपके इशारों में मसला आएगा और आपकी हाई बीम लो बीम मसला आएगा तो रिकमेंड मैं यही करता हूँ कि आप बैटरी को चेंज कर लें. तो यामाहा के YBR या YBZ की बैटरी चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले उसका साइड पैनल खोलना होगा. ये वो पैनल है जो आपके गेट्स के बिल्कुल ऊपर आता है. यहाँ पर आपके पास ये छोटा सा काले रंग का ढकना होगा, इसको आपने घुमाना होगा और यहाँ पर चाबी की जगह होगी. जिस चाबी से आप अपने बाइक को स्टार्ट करते हैं उसी चाबी को आप अंदर डालेंगे. ये फुल अंदर नहीं जाएगी, थोड़ा सा जाएगी और उसके बाद आपने इसको घुमा देना है. इसके बाद थोड़ा सा जोर लगेगा और आपका पैनल बाहर आ जाएगा. तो ये रही वो बैटरी जो भी बाइक में ओरिजिनली कंपनी की तरफ से लगी आती है. ये नेशनल की बैटरी है, ये 12 वोल्ट और 5 एम्पीयर की बैटरी है. करंटली ये एक पानी वाली बैटरी है, यानी इसके अंदर तेजाब लिक्विड फॉर्म में होता है और उसी की वजह से आप देख सकते हैं मैंने शॉप पर रखा है क्योंकि इसमें से तेजाब निकल रहा था ऊपर से और सल्फेशन यहाँ टर्मिनल्स पर भी आ गई है. इसी वजह से मैंने जो अभी सेकेंड बैटरी हम इस पर लगाएंगे वो मैं ओसाका की लगा रहा हूँ, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये एक ड्राई बैटरी है. तो अगर आप ये बैटरी ख़रीदना चाहते हैं तो ओसाका की सुप्रीम 6 बैटरी है, लेकिन आपने उसे बताना है कि आपको ड्राई बैटरी चाहिए और ड्राई बैटरी के ऊपर VRLA लिखा होगा अगर आप ओसाका की ले रहे हैं. इसकी फ़िटिंग एग्जैक्टली सेम है जो यामा के YBR या YBZ में आराम से फ़िट हो जाती है. मेन चीज़ आपने यही देखनी है कि जो आप बैटरी ले रहे हैं वो 12 वोल्ट और 5 एम्पेयर की हो, क्योंकि यही रेटिंग है आपके बाइक के लिए. इसके अलावा इसकी प्राइस जो आज की कीमत है वो 3000 रुपये हो सकता है, आपकी बारी कम हो या ज़्यादा होगी हो, क्योंकि आपको पता है मुल्क में प्राइस रोज़ाना चेंज हो रही है. अगर मैं बॉक्स खोलूं तो इसके अंदर आपके पास ये दो पेज, दो नट और दो वॉशर आ जाती है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अभी पुराने टर्मिनल्स में जो पेज लगे वो बिल्कुल फारिग हो चुके हैं सल्फेशन की वजह से. इसके अलावा ये छोटी सी प्लास्टिक आ जाती है. और ये रही हमारी ओसाका की 12 वोल्ट की बैटरी. मेन चीज़ यही है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल या रेड टर्मिनल राइट साइड पे है और नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पे है, जिस तरह आपकी ओरिजिनल बैटरी में होता है. और इसकी एग्जैक्टली सेम फिटिंग है जो आपकी यामाहा में आराम से फिट हो जाएगी. इसके अलावा आप टॉप पे देख सकते हैं कि इसमें कोई टर्मिनल के ढक्कन वगैरह नहीं लगे, जिसका मतलब है ये एक ड्राई बैटरी ही है. इससे पहले कि मैं इस बैटरी को लगाऊं, सबसे पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि ये बैटरी जिस दुकानदार से आपने ख़रीदी है वो ठीक है या नहीं. तो उसके लिए अगर आपके पास मीटर है तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं. तो अपने वोल्ट मीटर पे आपने इसको 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है. हर मीटर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है. और ये रही आपकी बैटरी. यहाँ पर अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं. तो आपने नेगेटिव को नेगेटिव पे रखना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे रखना है. और अगर आपके मीटर पे 12 वोल्ट से ज़्यादा शोर है तो इसका मतलब है आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है जो आपने ख़रीदी है. तो अब औजारों की बात करें तो आपको सिंपल एक पेज कस चाहिए होगा जिससे आप इसके पुराने पेजेस को खोल सकें. उससे पहले हम इस रबड़ को खोलेंगे जिसने पकड़ा हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा बीच में जोर देंगे और हटाएँगे तो ये हुक खुलाएगा. इसके बाद अब हम आराम से इन दोनों पेजेस को पेचकस से खोल लेते हैं. अभी मैंने बैटरी के दोनों टर्मिनल खोल लिए. जैसा कि आप देख सकते हैं ये टर्मिनल टूट गया है क्योंकि जंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से पेज खुल नहीं रहे थे. तो अब आपने सिंपली बैटरी को बाहर खींच लेना है और यहाँ पर इसका पानी का वाल्व लगा होगा या गैस का महम है जहाँ से एक्स्ट्रा गैस निकालती है जो पानी वाली बैटरी होती है. तो हम इसको खींच लेंगे और इसमें तेजाब लगा होता था तो कोशिश करेगा हाथों पर ना लगे ना कपड़ों पर. तो ये रही हमारी पुरानी बैटरी, इसको हम साइड पर कर देते हैं. और जो इसका पाइप है हम इसको खींच के निकाल के अब फेंक देंगे या साइड पर रख देगा, मर्ज़ी आपकी. क्योंकि अब हम एक ड्राई बैटरी लगा रहे हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी. अगर मैं ड्राई बैटरी की वैसी फ़िटिंग आपको दिखाऊं ओसाका की सुप्रीम 6 की, तो आप देख सकते हैं परफेक्टली अपनी जगह पे बैटरी है.
तो अगर आपने अपने YBR या YBZ में लगानी है तो ओसाका या इसी की डायमेंशन की कोई और बैटरी लगा लें। मैं मशवरा यही दूंगा कि आप ऑनलाइन बैटरी ना मंगाएं बल्कि अपनी मार्केट में जाके ख़ुद बैटरी देखें, क्योंकि उसी वक्त आप दुकानदार से बैटरी लेकर फिटिंग वगैरह चेक भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं पानी वाली बैटरी की वजह से यहाँ पर ये काफ़ी जंग सा लगा है, तो मैं गर्म पानी से इस जगह को साफ़ करूँगा। और टर्मिनल्स पे भी काफ़ी जंग लगा था तो मैं इसको गर्म पानी में सर्फ डाल के भिगोऊंगा थोड़ी देर, और उसके बाद साफ़ करूँगा। उसके बाद हम नई बैटरी को इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि अगर यही सल्फेशन उस पर आ गई तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि गर्म पानी से साफ़ करने के बावजूद टर्मिनल्स में अभी भी काफ़ी जंग लगा है, तो उसका तरीका ये है कि आप ब्रेक मार से इसको साफ़ कर लें या एक रेती से। तो जब आपने सारे टर्मिनल्स वगैरह साफ़ कर लिए हैं, आपने सिंपली बैटरी को, नई बैटरी को उसकी जगह पे यूँ रख के धक्का दे देना है। इसके बाद आपके उतने जो शुरू में कवर उतारा था वो आपने प्लेस कर देना है ताकि बैटरी अपनी जगह से गिरे ना। यहाँ पर पहला हुक अड़ाएँगे, यहाँ से थोड़ा सा खींचेंगे, दूसरे फड़ाएँगे और बैटरी अपनी जगह पर अड़ जाएगी। तो अब आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है वो बाइक के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हो और नेगेटिव नेगेटिव के साथ हो। इसके बाद आप पुराने स्क्रूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जो इस बैटरी के अंदर नए नट और पेज आए थे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको पेच कस चाहिए होगा और नोज प्लास भी ज़रूरत पड़ेगा जब आपने इसको टाइट करना है। कुछ केसेस में नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ज़रूरत पड़ता है। टर्मिनल्स वगैरह हो गए हैं तो अब मैं सिंपली चाबी को वापस बाइक पर लगाऊंगा और चेक करते हैं सेल्फ स्टार्ट होता है या नहीं। दोबारा मैं करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं लाइट न्यूट्रल की अब सही तेज़ चल रही है, बाइक आराम से सेल्फ स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा फ्रंट की लाइट बिल्कुल ठीक लग रही है। अगर मैं इग्निशन बंद कर दूं और सिर्फ लाइट को ऑन रखूं तो आप देख सकते हैं ये पार्किंग लाइट वगैरह सारी सही ठीक तरीके से चल रही हैं। तो हमने सक्सेसफुली अपने यामाहा YBZ या YBR की बैटरी को चेंज कर लिया है। अब आपने ये करना है कि 5 से 10 मिनट बाइक को ऐसे ही स्टार्ट रहने दें ताकि वो इस बैटरी को आराम से चार्ज कर ले, अगर कोई कमी रह गई है उसके बाद आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कपड़ा मार के इसको साफ़ कर दूँगा और ढक्कन को बंद कर दूँगा। और आखिरी चीज़ यह है कि जब आप ढक्कन बंद करें, अगर आपके पास ग्रीस या कोई लोशन वगैरह पड़ी है तो वापस जगह पर लाजमी लगाएं, क्योंकि इससे ये होता है कि जो आपका साइड का पैनल है वो आराम से लग भी जाता है और उतर भी जाता है। अगर ये ना आप लगाएंगे तो आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा जिससे पैनल टूट भी सकता है। अगर आपको पैनल लगाने का तरीका नहीं आता तो सिंपल अगेन आपने चाबी को यूँ घुमाना है कि वो अनलॉक स्टेट में रहे। साइड पर यहाँ पर एक हुक होता है, आपने उसको दे के पहले स्लाइड इन करना है, ऊपर से इस जगह पर दबाना है, यहाँ से धक्का देना है जब तक वो अंदर बैठ ना जाए, और उसके बाद आपने चाबी को घुमा देना है। तो ये भी ठीक तरीके से बैठा नहीं है, अब ठीक तरीके से बैठ गया है शायद, और अब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये अपनी जगह पे रुक गया है, लॉक हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने यामाहा की बैटरी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। अदर दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।